नमस्कार। आज एक बहुत पुराना छोटे बच्चों का गीत याद आ रहा है, जो कुछ इस प्रकार से था कि मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादी माँ का चश्मा गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। और आज मैं भी आपको एक गोल मटोल मॉडल दिखाने जा रहा हूँ। यह एक छोटी सी क्रिया वर्ग और वर्गमूल की है। घन घनमूल की बात अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी क्रिया करेंगे वर्ग और वर्गमूल की। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, हमारे पास दो अलग अलग वृत्त हैं। इस पर हमने लिखी हैं एक से लेकर और 20 तक की मूल संख्याएं, और बाहर वाले वृत्त पर हमने लिखे हैं इन सबके वर्ग। मान लीजिए मुझे 5 का वर्ग निकालना है, तो इस एरो को मैं 5 पे रखूंगा और नीचे वाले वृत्त को घुमाकर मैं 5 के वर्ग तक ले आऊंगा। इस प्रकार से हम बच्चों को वर्गों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि मुझे 14 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हम इसको नीचे वाले वृत्त को घुमाकर जब 14 का वृत्त आ जाएगा वहां तक इस एरो को लेकर आएंगे। अब 14 और 14 का वर्ग है 196। तो इस प्रकार यह बच्चों के लिए खेल खेल में वर्गों का अभ्यास करने का एक जरिया है। इसी प्रकार इसका रिवर्स भी हम बच्चों को दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यह एरो 225 पर फिक्स किया, तो हम बच्चे से कह सकते हैं कि 225 वर्ग है, इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो बच्चा नीचे वाले वृत्त को घुमाकर इसका उत्तर यहाँ पर लेकर आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 225 का वर्गमूल है 15। तो इस प्रकार से हम बच्चों को वर्ग और वर्गमूल दोनों क्रियाओं का अभ्यास करा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक और वृत्त है, इस पर हमने इन बेस संख्याओं के 1 से लेकर 20 तक की सभी मूल संख्याओं के घन लिखे हैं। फिर इसी प्रकार मैं एक संख्या लेता हूँ 4, अपना एरो 4 पर लगाता हूँ और बच्चे को कहता हूँ कि इसका घन निकालो। तो बच्चा बाहर वाले वृत्त को घुमा घुमा कर हमें 4 का घन निकालना है, तो 4 का घन ढूंढ कर और यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है। और यदि हम चाहें तो साथ ही साथ ही 4 का वर्ग भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं यह है 4, 4 का वर्ग है 16 और 4 का घन है 64। इसी प्रकार से 16 का वर्गमूल है 4 और 64 का घनमूल है 4। तो इसे छोटे से गोल 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 मटोल आकृति के द्वारा हम बच्चों को वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल इनका अभ्यास करा सकते हैं।